ख्वातीन की तरफ से कोई सवाल? ब्रदर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द इस्लामिक ग्रीटिंग, मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। ब्रदर आई वुड लाइक टू आस्क कि जिहाद के तीन लेवल्स होते हैं, फर्स्टली तो नफ्स के खिलाफ, दूसरा दावा करना, और तीसरा जैसे जिहाद फी सबीलिल्लाह, तो इसमें हम औरतों का कितना रोल हो सकता है? एंड प्लीज सर, अगर हो सके तो यहाँ से भी दो क्वेश्चंस पूछे जाएं, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क। थैंक यू। बहन ने सवाल किया कि जिहाद के तीन लेवल होते हैं, एक जिहाद नफ्स, एक दावा, एक जिहाद फी सबीलिल्लाह। वो सारे जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बहन का मतलब मेरे हिसाब से किताल फी सबीलिल्लाह। जिहाद के कई दर्जे हैं, कई उलमा ने कई दर्जे दिए जिहाद के, तीन चार, कोई दस, कोई पंद्रह, कई दर्जे। लेकिन ये तीन के बारे में जो बहन ने जिक्र किया कि बहनों का क्या रोल है इसमें, बहनों का क्या रोल है, क्या काम है? जहाँ तक कि जिहाद नफ्स का सवाल है, वो हर मुसलमान को करना चाहे वो मर्द या औरत हो, कि अगर कोई शैतान आपको भड़का रहा है कि ऐसा मत करो, अल्लाह से दूर जाओ, तो आपको अपने नफ्स से जिहाद करना चाहिए। मिसाल के तौर पे शैतान फरमाएगा, ये हिजाब करने की जरूरत क्या, सिर ढकने की क्या जरूरत, बदन ढकने की क्या जरूरत? जितना आप बदन दिखाएंगे उतना आप मशहूर होंगे, ये शैतान भड़का रहा है। तो आप जिहाद करेंगे कि ख्वातीन का फर्ज है कि वो सारे जिस्म को ढके, जो सिर्फ दिखा सकती है वो चेहरा, और ये तो ये जियाद नफ्स हुआ। तो मर्द को भी जियाद नफ्स करना चाहिए, ख्वातीन को भी, दोनों को। जो भी अल्लाह ताला फरमाते कुरान में और अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, उसके ऊपर अमल करने पर अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो वो एक किस्म का जिहाद ही है, और कई बार जिहाद नफ्स भी कहलाएगा। जहाँ तक दावत का मैदान है, ख्वातीन का भी फ़र्ज़ है क्या वो गैर मुसलमान ख्वातीन में इस्लाम के बारे में गलतफहमियां दूर करे, दावा करे। हमारे बम्बई में, हमारे इदारे में, इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में एक शोबा है लेडीज विंग, खुसूसन ख्वातीन के लिए। और इस शोबे में कम से कम 10 ख्वातीन हैं जो तकरीर करते हैं, 10 मुकर्रर हैं, 10 कम से कम, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बम्बे में, हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर करते, खुसूसन ख्वातीन के दरमियान। और दावा करना ख्वातीन का भी फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है, नहीं कि सिर्फ मर्दों का फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है। और किस तरीके से दावा करना चाहिए, आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे IRF.net, आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे IRF.net, वहाँ तरीके दिखाए गए किस तरीके से आप दावत के मैदान में उतर सकते हैं। और जो आखिरी जो बहन ने सवाल किया कि जो मेरे हिसाब से किताल फी सबीलिल्लाह था, हम देखते हैं कि सही बुखारी में एक चैप्टर, एक बाब है जिसके अंदर जिक्र है कि खुसूसन ख्वातीन ने भी किताल के दरमियान हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पे जब मर्द जंग के मैदान में उतरते थे तो उन्होंने पानी दिया, उन्होंने फर्स्ट एड किया, मरम पट्टी की। और एक वाक्या है जिसका जिक्र है जंगे उहुद के दरमियान, जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और एक साहबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, और बाकी साहबा के साथ ये ख्वातीन साहबिया थी। और जब दुश्मनों ने हमला किया उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई, और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तारीफ की। तो चंद मौके पे जब ज़रूरत पड़ी, आम तौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन ख्वातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में जब ज़रूरत है, फर्स्ट एड में, मरम पट्टी करने में ज़रूरत पड़ी थी, जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है, और जब ज़रूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई कर सकती है। मेरे माइक से भाइयों की तरफ से कोई सवाल? अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कहीं पर भी हो, किसी भी कतार में हो, तो वो अपना हाथ ऊंचा करें और वो पहले सवाल करें। अगर दूसरे माइक में भी अगर कोई गैर मुस्लिम भाई खड़े हो तो आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद जियाउल्लाह खान मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए, वेदर ही इज़ फुलफिलिंग ऑल द फोर कंडीशंस इन दिस सूरह आर नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया
वतवासो बिलहक के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहां आपसे ये क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो आमिल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे आमिल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक आर नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासो बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि यह वतवासो बिल हक में आ जाता है, लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूं दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, अल्लाह सुबहाना व ताला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है, तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है, मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफी है, लेकिन फिर भी मैं दो सवाल करूँगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मसूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफगानिस्तान पे जो आपके इम्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल दे उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना, वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, उस सवाल में ये था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नजर में जो ओसामा बिन लादिन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं, जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। तीन सवाल एक सवाल के तीन हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादिन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादिन से मिला ही नहीं, आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन कोई चीज मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। सो मुझे पता नहीं जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया, तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम, अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना, वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, वो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं
क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन एक साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाति फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाति फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे कहने, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं। तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीर लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं, अगर कहूंगा तो कुरान के जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाइत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं सीएनएन के अंदर कि कई बार बीबीसी और सीएनएन में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। दो साल पहले मैं मलेशिया में गया था, वहां एक शोहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे, बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शोहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन एक के ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है, तो उसने कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो बीबीसी और सीएनएन में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योन रेडली। योन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार है तो माफी चाहता हूं मैं। तो योन रेडली जो थी, योन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट है, वाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका रात फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे, शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती, 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचती अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और
उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है, फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार में बोलती नहीं है, एक घंटा तक कि मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे, वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेती है, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जो आपके नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अलकायदा ने WTC को गिराया, तो वो योन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अलकायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उनने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है, तो इसका नजरिया अगर लेंगे जो गैर मुस्लिम थी यूआन डेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग है। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है, अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग है। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है, दे कैन मेक डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू व्हाइट हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूं ना, यहां क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख होगा। जब मैं लंदन में गया था वहां एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज्यादा दुश्मन इस खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर, तो अल्लाह के रसूल ने यह दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे, तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। बहनों की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है और मैं एक स्टूडेंट हूं। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग माने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स शिद्दत पसंद, टेररिस्ट में टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद, तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत, और बोल से मुसलमान अपने बचाव के लिए नहीं, मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में, मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक के इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीजों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, गलत चीजों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलुसी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेसेस इन योर रिलीजन, आप दायरे के बाहर मत काम करो। एक्सेसेस, ला तगलुसी दीनुकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ, लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत जो हक की बात है वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है,
टेररिज्म अलग बात है, हो सकता है क्या एक इंसान दोनों है या सिर्फ एक है या दोनों नहीं है? हाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आमे इस्लाम में लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना ना तब्दील करे और खतना ना कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ, आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मजहब की तहकीक की सबसे बेहतरीन मजहब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उन्होंने दूसरा बेहतर मजहब बुद्धिज्म को कबूल किया। आपका सवाल ये कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है और खतना न करें जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज़ है? खतना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौकदा है, मुस्ताब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज़ है हिंदुस्तान में, हाँ बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, नाम नहीं बदलूँगा और खतना नहीं कहूँगा, तो मैं कहूँगा अहलन व सहलन, कम अज़ कम शिर्क से तो बचेगा, कम अज़ कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी, ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, एक गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसे भी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना, कई मुसलमान नहीं जानते अंसारी या कुछ चंद सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। पहले माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल पूछें। डॉक्टर नायर साहब सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद दहशतगर्दी के बारे में इसी उनवान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशतगर्दी का जिक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशतगर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते दहशतगर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो लोग हक के खिलाफ है, जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं, उनके दिल में दहशत पैदा करो। जिस तरीके से पुलिस का काम है, और अगर कोई इंसान, वो इंसान जो माशरे के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, मिसाल के तौर पे कोई चोर है या कोई बलात्कार करने वाला है या जना बिलजब्र करने वाला है, ऐसे इंसान के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। और ये लफ्ज़ जो लोग कहते हैं ये कोई लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं है। इवन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चंद महीने पहले बॉम्बे में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर आंगरे टेररिज़ द अंडरवर्ल्ड, इंस्पेक्टर आंगरे इज अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। उसके मानी इंस्पेक्टर आंगरे जो गुंडे लोग हैं बम्बई में उनके लिए दहशतगर्द है। तो ये लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरीके से उर्दू है, अरबी जबान है। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग हक के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। लेकिन आम तौर पर दहशतगर्द आज की तारीख में उसे कहते हैं जो मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंजर में, इस ताल्लुक से कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। उम्मीद है कि सवाल का जवाब है। बहनों की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम काजमी है,
जैसा कि आपने शुरू से बताया कि अगर कुरान और हदीस पे हम लोग चलें तो एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल सोसाइटी पा सकते हैं। तो जहालत से जिहाद भी एक जिहादी है। मेरा क्वेश्चन है, ए शुड बी कन्फाइंड द नॉलेज टू द इस्लामिक स्टडीज ओनली, बी नॉलेज लाइक वुमेन को ज़्यादा हम लोग को अहमियत देना चाहिए, लाइक इफ़ वुमेन इज़ एजुकेटेड देन द होल फैमिली इज़ मोर नॉलेजेबल, व्हाट डू यू थिंक? बहन ने सवाल किया कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन करना चाहिए, और तीसरा सवाल कि ख्वातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के खिलाफ जिहाद भी जिहाद है, बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुबहाना व तआला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज़ पढ़ो, हज के लिए जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो, और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि ख़वातीन के होना चाहिए, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इट इज़ ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमन टू अक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फर्ज है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाजिल होने के पहले जब लड़की पैदा होते थे तो जिंदा दफना दिया जाता अरब ममालिक में, तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को। तो इल्म हासिल करना फ़र्ज है हर मुसलमान के लिए, जहालत के खिलाफ जिहाद करना फ़र्ज है, और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनियाई इल्म भी, ये भी ज़रूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए ये दुनियाई इल्म भी ज़रूरी है, इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 43, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आप नहीं समझते तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बम्बई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलहदा स्कूल है, दो जबानों में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंग्लिश और दूसरा अरबी है। हम जब बच्चों का दाखिला करते 3 साल की उम्र में हमारे स्कूल में बम्बई में, उनको दोनों जबान सिखाते हैं, अंग्रेजी जबान और अरबी जबान। जब 3 साल की उम्र में दाखिला होता है नर्सरी में, हम जब सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, हम सिखाते मिन अलिफ असदुन मिन बा बैतुन मिन ता तुफाहुन, क्योंकि मुसलमानों को अरबी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं दाई हूँ, मैं अरबी जबान नहीं जानता हूँ, शोए शोए थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं अरबी सिखाऊँ। ये स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतरीन अंग्रेजी इल्म देते हैं, और हम कहते हैं कि ये आम जो कॉन्वेंट स्कूल है उनसे फार सुपीरियर इंशाल्लाह हम देते हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक तालीम भी देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर कुरान हदीस सिखाया जाता है, हदीस फिक्र, साथ साथ दावत सिखाया जाता है, हिफ्ज भी है। लेकिन हम जब इस्लाम सिखाते हैं, हम इस्लाम अरबी जबान में सिखाते हैं, अंग्रेजी उर्दू में नहीं। तो हदीस भी सिखाते हैं अरबी जबान में, कुरान की तफसीर भी अरबी में, उर्दू में नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अरबी में भी माहिर हो। अरबी एक वक्त था जो अरबी जबान सबसे बेहतरीन जबान, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती थी। अगर आपको साइंस के बारे में सीखना है, वो गैर मुस्लिम को भी मजबूरन अरबी सीखना पड़ता था अगर साइंस के बारे में तहकीक करना चाहता तो। आज की तारीख में अंग्रेजी जबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अरबी फिर से इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल 6 साल के बच्चे 1 साल 2 साल में जिस तरीके से अरबी जबान बात करते हैं, माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। तो ये जो स्कूल हमने कायम की बम्बई में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली, इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है, और हमारे जो इंटरव्यू है काफ़ी काफ़ी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं, और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को दो इंटरव्यू देने पड़ते हैं कम से कम,
दो तीन घंटे के, बच्चों को तीन से चार, और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मिनिस्टर के फोन आए एडमिशन के लिए, मिनिस्टर के फोन आए। खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डाले। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल है, चौथा साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारोमदार दोनों हैं, दीनी इल्मी और दुनियावी इल्मी। तो क्या बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो दसवीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो दसवीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज होते जब मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग होगा कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज होते हैं, कैसा हो सकता है, कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हो सकता है। और बम्बई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कॉम्पिटिशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है, इस वक्त हुआ मुंबई में। और हमारे स्कूल को सिर्फ तीन साढ़े तीन साल हुए, चौथी साल है, कुछ बच्चे एक साल है, कुछ बच्चे डेढ़ साल है चुके, कुछ बच्चे दो साल है चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कॉम्पिटिशन में हमारा जो एक तीसरी स्टैंडर्ड का बच्चा वो दूसरे नंबर पर आया, और चौथी स्टैंडर्ड का बच्चा तीसरे नंबर पर आया, और जो पहले नंबर पर आया वो दूसरे मदारिस का था जो नौवीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहाँ नौवीं है ही नहीं, तो ये फख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो सेकेंड और थर्ड के बच्चे जो थे वो नौवीं दसवीं बच्चे से कम्पीट करके अल्लाह के फजल से दूसरे और तीसरे नंबर पर आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज़ भी है, हाफिज़ा भी होता है जो हिफ्ज़ में ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए ताकि हमें दोनों पे महारत रहे, इस्लामी इल्म पे भी और दुनिया इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते, लोग फख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।